हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर लाइव। आज मैं बनाऊंगी मटका पिज़्ज़ा। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर जो है एक मटका ले रखा है छोटा सा, और इसके लिए मैंने थोड़े से यहाँ पर मटर लिए हैं, थोड़ी सी पनीर है, और यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले रखी हैं, टमाटर, गाजर और प्याज, शिमला मिर्च, और यहाँ पर चीज़ ले ली है, और यहाँ पर हमने कॉर्न को उबाल के रख दिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई में जो है प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ये सारी सब्जियां जो हैं पहले इसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। पहले हम प्याजों को हल्का सा फ्राई करेंगे। एक एक करके हम सारे सब्जियां फ्राई कर लेंगे। पहले हम प्याज को करेंगे। प्याज जो है मेरे ब्राउन हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ टमाटर डाल दूँगी। टमाटर वगैरह सब आप एक साथ डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कोई सब्जी तो नहीं बनानी है, हमने इनको फ्राई करना है। तो आप सारा कुछ जो है आप एक साथ डाल सकते हैं। थोड़ा मोटी मोटी मैंने शिमला मिर्च काटी है, आप इधर डाल दीजिए शिमला मिर्च, गाजर। ये मतलब हमारा न्यूट्रिएटिव पिज़्ज़ा है, ऐसा नहीं है कि मार्केट से आपने परचेज किया, मैदे वाला पिज़्ज़ा नहीं है हमारा। तो इसमें मैं कुछ आपको सरप्राइजेस बताऊंगी इस चीज़ में आपको, ये लेकिन मेरी वीडियो जो है इसके लिए पूरी देखनी पड़ेगी। मटर भी मैं अभी डाल दूंगी। सारे सब्जियों को अच्छे से आप गलने दीजिए पहले। सब्जियां देखिए अभी गली नहीं है, लेकिन मैं अभी जो है इसमें सब कुछ डाल दूंगी। मसाले, थोड़ा सा नमक, हल्दी, थोड़ा सा ही मसाले आप डालिए। इसमें आप चिली फ्लेक्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे को इस टाइम है नहीं अभी, तो मैं ऐसा नॉर्मल अपने घर के मसालों से ही उसको बना रही हूँ। इस तरह से अब अच्छे से ये सारी सब्जियां जो हैं बिल्कुल अच्छे से जब गल जाएंगी, बाद में हम थोड़ा सा करेंगे, पहले आप इसको सारी सब्जियों को अच्छे से गला लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, सब्जी जो है ये सारी गल चुकी है आराम से, बिल्कुल मेरी न्यूट्रिएटिव सब्जी जो है गल चुकी है। अब हम देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक बन काटूंगी। बन को आप यहाँ पर छोटे छोटे स्लाइसेस यहाँ थोड़ा सा मक्खन से आप इसको सेक लीजिए। ये देखिए मैंने काट दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स जो है, मतलब ये आप इसको मक्खन से हल्का सा आपको फ्राई कर लीजिए अच्छे से। देखिए ये हमारे फ्राई हो रहे हैं, गैस का फ्लेम आप तेज़ कर दीजिए, अभी ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। आप इनको हल्का सा सेक लीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे हल्के से हो चुके हैं, रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनको यहाँ एक प्लेट में आप इनको निकाल लीजिए, और अब जैसे थोड़े थोड़े आप इसमें ये डालिए अपने इसमें मटका जो है, और थोड़ी थोड़ी आप यहाँ पर सब्जी डालिए। ये अगर बच्चे को आप कहेंगे कि मैं पिज़्ज़ा नहीं मंगा के दे रही, तो आप इस तरह से इतना न्यूट्रिटिव आप पिज़्ज़ा जो है अपने घर पर बनाइए, ताकि आप लोग भी कहेंगे नहीं कि बच्चे हमने नहीं, मतलब खाना पिज़्ज़ा जो है जंग आइटम होती है।
अब ऊपर से आप इसमें डाल दीजिए पनीर और यहाँ पर हम डाल देंगे चीज। ये देखिए चीज के जो मेरे ब्लॉक्स हैं चीज जो है मैं इसमें इसको तोड़ तोड़ के इसमें थोड़ी सी स्टफिंग कर दूंगी। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ी सी ऊपर से आप डाल सकते हैं। अब आप इसको गैस पे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। गैस पे हम इसको रखते हैं। आप इसको थोड़ा सा ढक दीजिए। फ्रेंड्स देखिए मेरा जो है बन के रेडी हो गया है। हमें गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब आप इसे आराम से केयरफुली होकर आप इसको उतार लीजिए। देखिए कितना अच्छा हमारा जो है ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया। तो आप भी इसको इस तरह से बनाइए और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मटका पिज़्ज़ा कैसा लगा। थैंक यू। एंजॉय।